सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये रहे अपने भाई लोग। तो फिलहाल अपन हल्के से लेट है, लेकिन ठीक है, तो चलता है। तो ये रहे, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, तो अपन थोड़ा सा पीछे रह गए, बाकी लोग आगे निकल गए। तो वी विल ट्राई टू कैच देम, अगर कर पाए तो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो ठंड के अंदर कोल्ड टायर्स ग्रिप बहुत कम बनती है, कॉर्नरिंग करने में इतना कॉन्फिडेंट रहता, इसीलिए अगर जब भी बाइक निकालो ना तो मिनिमम कुछ 15-20 घंटे तक आप ब्रेकिंग करो, थोड़ा चलाओ, फिर हार्ड ब्रेकिंग करो, जिससे टायर क्या थोड़ी हीट जनरेट कर लेंगे, फिर आप इजीली राइड कर सकते हो। अगर आप नहीं करोगे वो सब तो फिर आपके कोल्ड टायर रहेंगे और वो रिस्की होता है बहुत ज़्यादा। तो आई इंसिस्ट स्ट्रॉन्गली कि आप सब लोग थोड़ा सा टायर्स को वार्म होने का वक्त दो, तभी उनको आप हार्ड एंड फास्ट राइड करो, ताकि वो आपको अच्छी ग्रिप दे पाए। तो ज़रूरी है, देखो सच बता रहा हूँ, जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे कि नहीं कोल्ड टायर तो सही है, कोल्ड टायर बहुत डेंजरस है, ठंड के अंदर स्पेशली चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। गर्मी के अंदर तो क्या है, बस 5-10 मिनट के अंदर ही टायर गर्म हो जाते हैं, राजस्थान में गर्मी इतनी पड़ती है ना। तो मेजर प्रॉब्लम है केवल सर्दियों की, सर्दियों में बच्चे प्रिकॉशन कर लो हल्का सा और आपकी राइड बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी, मतलब लिटरली बहुत अच्छी। तो ना अपना करो मिल गया आपके साथ, सही बताऊँ ना। तो आज कितने लोग आए, केवल 5 लोग आए आज शायद। तो ये देखो दो हायाबूसा, एक ट्रायम्फ और एक चॉपर, तो बाकी एक अपन अपनी डोलना को हेल्प। एक गियर डाउन किया और देन एक्सेलरेट। गोप्रो को चेक कर लेते हैं भाई। वैसे एक ही बताऊं आपको, मेरी गोप्रो की बैटरी थी ना, गोप्रो की 4 बैटरी थी मेरे पास, तो वो सडनली ख़राब हो गई थी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो वीडियो में देखना पड़ेगा आपको, मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो डालूंगा उसका। तो मैं आप अच्छे से उसको देखना, और सच बता रहा हूँ उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि गोप्रो की बैटरी के साथ क्या हुआ एंड क्या नहीं हुआ। उसके बाद में अपना कौन सी बैटरी इस्तेमाल करें उसके बाद में, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। तो वो वीडियो ज़रूर से देखना, इम्पोर्टेंट है। बाकी आप करते हैं संडे राइड और आप एंजॉय करो सुपरबाइक साउंड। इसके अंदर कैटेलिटिक कन्वर्टर है वैसे, भले हाय गुस्सा करता है, ये रोंग साइड आ रहा है, ये बहुत गलत है भाई, बहुत गलत है। एटलीस्ट रोंग साइड पर आ रहे हो तो कोने में चलो आप बिल्कुल सेपरेट, ताकि वैसे तो बिल्कुल गलत है, लेकिन फिर भी अगर मान लो गलती से अगर आपको आना ही पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, जो होता नहीं है, इतनी ज़्यादा मजबूरी होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर करना ही पड़ रहा है तो। यार ये दूध कहाँ से आ गया यार रोड पे, गाड़ी गंदी हो गई, वो स्लिप मार रही भाई, अभी तक कोल्ड टायर है भाई, स्लिप मार रही है। आज अपन जा रहे हैं टोंक रोड, ठीक है, गोसाई बेगी साइड जा रहे हैं अपन। पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो
मैं इस हाईवे पे थोड़ा स्लो चलाना पसंद करूँगा बाइक को, क्योंकि ये हाईवे थोड़ा सा सकड़ा है, मतलब केवल टू लेन हाईवे जहाँ तक है वन ड्राइव है ना, तो काफ़ी छोटा है, मतलब काफ़ी नैरो है, तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है, रिस्क ज़्यादा रहता है। अजमेर हाईवे बढ़िया है, लेकिन अजमेर हाईवे पे भी कंस्ट्रक्शन डाइवर्जन का काम चल ही रहा है, रुका नहीं अभी तक, तो लेट्स सी वो कब रुकता है। एंड और भाई मैं कैमरे को बंद निकलना चाहता था, क्योंकि मैं जहाँ पर उसको बंद करूँगा ना मैं, तो ये धोखा दे देगा फिर भाई, बहुत दिक्कत है मतलब सच बता रहा हूँ यार, ये गोप्रो मुझे इतना धोखा देता है ना, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सीन, काफ़ी अच्छे अच्छे मोटो व्लॉग निकल जाते हैं इससे, और पता भी नहीं चलता कि चालू क्यों नहीं हो रहा है, वो जब तक चालू करने की कोशिश करोगे तब तक तो निकल चुका होता है, वो चालू नहीं होता भाई गोप्रो, आपको लिटरली इसको बंद करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, बैटरी डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ फर्क पड़ेगा, वरना कुछ नहीं, भूल जाओ। भाई 150 ऐसे चल जाती है, और उसके ऊपर चलाना मित्र पीटर नहीं करता, सच बता सच, ट्राय दिखा देता हूँ, ट्राय ट्रिपल स्ट्रीट आर एस भाई, ट्रिपल आर एस ट्रिपल आर एस, और ये डिकेड हो रही है, तो साउंड बताऊँ आपको तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा बेसी है, इट्स डेफिनेटली बेसी, और काफ़ी अच्छी साउंड है, सूदी, और डेफिनेटली हायर आरपीएम पे इस तरीके की करती होगी बहुत ही ज़्यादा। मुझे रोड थोड़ी पसंद है, देख रहे हो मतलब काफ़ी नैरो हाईवे है, देन यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं, सारे जान चलती है, तो थोड़ा अच्छे हाईवे आई प्रीफर, लेकिन अगर वहाँ पर डाइवर्ट का काम चल रहा है, मतलब पूरा काम चल रहा है, रोड खत्म नहीं हो रहा है, एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे मान लो मैं सुपर बाइक से राइड कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास डोमिनो 400 है, ठीक है, तो ध्यान से समझो, अगर मैं चाहूँ तो मैं उनके पास में चला सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल पास में, वो तो कोई टर्न है, ओल्ड टायर्स, थोड़ा रिस्की सीन हो सकता है, तो थोड़ा सा प्रेफर नहीं करते, बाकी यहाँ पर लगता है कुछ हुआ है, लोग भाई गुड मॉर्निंग जयपुर, तो बताया गाँव मैं चाहूँ कि उसे राइड कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल इनके आसपास बाइक के लिए पास कोशिश कर सकता हूँ चलाने की, लेकिन वो करके मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्क में आ जाऊँगा खुद, और वो भी रिस्क में आ जाएगा, ठीक है, इसलिए बेटर है कि आप कुछ दूरी बनाए रहो 50 मीटर की, ताकि इसीलिए अगर वो हार्ड ब्रेक भी करें तो आप हार्ड ब्रेक कर पाओ, अगर नहीं भी कर पाओ तो कम से कम साइड में बोलो आप अपनी बाइक को आपके ट्राफिक रखो, ताकि कोई भी गुस्सा पॉइंट था उसको ठीक हो सकता है, लेकिन भाई अगर बोल चुका हूँ माना ना माना आपको पता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारे बड़े बड़े मोटो ब्लॉगर्स यही बोलेंगे आपको, लेकिन काफ़ी सारे मोटो ब्लॉगर्स हैं जो बड़े तो लेकिन काफ़ी ज़्यादा गलत रेपुटेशन है, मतलब ठीक है फन ठीक है अपनी जगह,
बिजली विजली सब ठीक है, चलो अपना खाना अपना नुकसान है, लेकिन भाई थोड़ा बहुत तो यार मतलब नॉलेज दो, थोड़ा बहुत तो कुछ अच्छा सिखाओ, रिस्क सिखाओ, रिस्क सिखाओ नहीं मतलब रिस्क से बचना सिखाओ, कुछ तो सिखाओ यार। काफ़ी सारे लोग हैं यार तो राइड करते हैं बिना जैकेट के, बिना ग्लव्स के, और सुपरवाइज सबके पास लिटरली सुपरवाइज ट्रेक में कई सारे भाई बिना ग्लव्स के बिना जैकेट के। हेलमेट तो मैंडेटरी है कैमरे के लिए, वरना भाई मैं गारंटी दे सकता हूँ हेलमेट मैंडेटरी हो ना GoPro, बिना हेलमेट का GoPro से काम हो जाए भाई, वो हेलमेट ही ना रहा इतने गलत हो रहा है, बहुत गलत लिटरली बहुत गलत। बहुत गलत सी और वो आपके काम आए और आप थोड़ा सा सेफ रहो और रखो, ठीक है दोनों चीज़ें कर पाओ, खुद भी सेफ रहो और मेजरली लोगों को आप सेफ रख पाओ, तो ये कोशिश करो। भाई 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 सो मैं लाइना दिखाता हूँ G900 और ये रही एकदम ब्रांड न्यू G900, ये देखो अभी नंबर भी चढ़ा है, एंड कावासाकी 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 ब्रदर्स लेट्स राइड। दो लोगों ने आगे ज्वाइन किया अपन को, लेट्स गो। इशू आ गया हेलमेट का, दवा इधर अनलॉक हो गया थोड़ा सा, चलो ठीक है देखिए दिख जाए ज़्यादा बढ़िया भाई, बीच राइड में हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है ये सब चीज़ें। आई विल चेक माई कैमरा एंड एंगल एंड ऑल, सुपर बाइक साउंड सुपर बाइक साउंड। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन भाई को, भाई ने बिल्कुल नई बाइक ली है, ठीक है G900 जैसे आपने देखा, नंबर प्लेट भी नहीं लगी है फिलहाल, स्टॉक एंड स्टॉक एंड स्टॉक, वो तो फर्स्ट सर्विस वाले में चेंज हो ही जाता है ज़्यादातर स्टॉक, तो यही कुछ है या आगे आपके पास ही बीच है 400 cc बीच देखा जाए तो 320 cc किलोमीटर हो गया भाई। अच्छी लग रही है वो
वाली नहीं जो छुट्टी है, वो वाली तो अच्छी होती है। यहाँ पे हो रही है रिफ्यूलिंग और अपना कैमरा होना, ओ अपने कैमरे के अंदर, अपने वाइज के अंदर फोग भी आ गया थोड़ा सा, लेकिन ठीक है चलो बंद कर लेते हैं बाइक को, वाइज को कर लेते हैं। ठंड कितनी है, वो हेलमेट हमेशा घर में रहता है ज़्यादातर मेजरली, ये हेलमेट की प्राइस पॉइंट के अंदर, और ये गर्म भी रहता है उसके साथ साथ, बताइए क्यों बताऊँ आपको, ये काफ़ी शांत काफ़ी सेफ और बहुत बढ़िया हेलमेट है, लेकिन इनमें एक दिक्कत है जैसे मेरे को होती है, मेरे का चेन माउंट पूरा बंद हो रखा है तो मैं उसको खोल नहीं सकता, उसको खोल नहीं सकता, तो भाई सच बता रहा हूँ काफ़ी हद तक मेरे को गर्मियों में सफोकेशन होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बस वाइज़र करके थोड़ा बहुत ही व्लॉग व्लॉग बना के फटाफट वाइज़र खोलूँ ताकि थोड़ा सा एयर वेयर आए और दिमाग अच्छे से काम करे, तो हाँ ये भी होता है भाई, ये भी होता है मार्केट के अंदर। भाई ये थार वाला है ना पागल हो गया है, मैं दिखा देता हूँ इसी नंबर पे है ना, तो ये देखो भाई पागल हो गया है और गधे की तरह बाइक चला रहा है, मतलब कार चला रहा है बिल्कुल गधे की तरह, बिल्कुल सेफ नहीं हो रही है भाई, ये गधे लोग क्यों आते हैं हाईवे पर भाई, यार तो भाई गोप्रो चालू नहीं सकती देर से, और यार भाई मैं सही बता रहा हूँ मतलब यार ये पूरा राइड को है ना रिस्क बना देते हैं और अनोइंग बना देते हैं भाई, और तो ये दिखाने की इच्छा नहीं होती सर, दिखाने की इच्छा नहीं होती ये सब लोग, लेकिन क्या करें दिखाना पड़ता है कि कोई भी ऐसे करना करे करना पड़ता है, वो बिल्कुल बताओ ऐसे करना पड़ता है, वो सुपर बाइक कर सकता है और सिपर नहीं बिल्कुल करना पड़ जाता है, देखो गधे की तरह टपकट मार रहा है ये वो ये वो, यार बहुत बेकार यार लिटरली बहुत बेकार यार, ये सही नहीं है यार, बाय बाय करेंगे बढ़िया एंड देन घर के लिए निकल जाएंगे, तो वैसे सही बताऊँ यार लाइक वाइक क्या करो कमेंट क्या करो यार, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा क्या है एंड ऑल, कमेंट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा भाइयों। तो ये रही लोकेशन और ये रहे अपन, और ये बिल्कुल स्लो 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 आते हैं, सो इट्स टाइम टू रोल, तो सब रेडी हैं जी, नो सो निंजा नहीं है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू हायाबुसा अपनी डोमिना स्ट्रीट ट्रिपल 675 सेक्सी बाइक, बाकी एग्जॉस्ट की आवाज़ आई होगी अब, वैसे वीडियो में मैं जो भी बात बताऊँ ना अच्छे अच्छे कुछ गुड पॉइंट उनको थोड़ा सा कोशिश किया करो फॉलो करने की, बाकी एन्जॉयमेंट तो है ही, वीडियो देखो पूरी वीडियो देखो एन्जॉयमेंट तो हो गई आपका, लेकिन आई फील कि आपको उसके साथ साथ थोड़ा सेफ भी रहना चाहिए, ठीक है, तो इट्स टाइम टू रोल आउट,
सच में लिटरली बहुत 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 क्राउड है, और ये आ रही है जी 900 एकदम ब्रांड न्यू। वैसे एक चीज़ है कि अभी नई वाली लॉन्च हो गई है, तो थॉट्स बताना उसके ऊपर, ठीक है, अपने 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 थॉट्स बताना उसके ऊपर कि आपके क्या थॉट्स हैं, क्योंकि ये पुरानी वाली है देन नई वाली थोड़ा सा लोकेशन थोड़ा चेंज करा है, फीचर्स थोड़े ज़्यादा डाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप मुझे वर्थ इट है वो। तो वैसे बताया था नाश्ता वास्ता कर लिया, तो नाश्ता वास्ता कर लिया है, निकल रहे हैं घर की ओर आराम से धीरे धीरे, और एडजस्ट कर लेते हैं हल्का फुल्का, तो ठीक है, तो निकल रहे हैं घर की ओर आराम से, तो काफ़ी अच्छा रहा। वैसे सही बताऊँ तो कहीं ना कहीं मेरे विचार ये है कि नई वाली जी लोग तो शायद एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती, नो डाउट ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक थोड़ा वो अंदर सब थोड़ी बात है, रीसेल में थोड़ी अच्छी वैल्यू मिल जाती है, तो वही सब है अगर रीसेल का प्लान हो तो, ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको रीसेल करनी है रखनी है भाई, तो फिर अपना प्यार उठाओ, ठीक है, बेस्ट है जो गाड़ी पसंद है वो उठाओ, उसको बढ़िया अपने पास रखो, आराम से रिलैक्स कराओ उसको, पूरा फन लो, पूरा इन्जॉय करो, काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी दिखा देता हूँ, बहुत ही बढ़िया नज़ारे, खेत ही खेत, ये देखो खेत सोलार, भाई सोलार लगा हुआ है खेत के अंदर, सोलार पेट्रोल पंप है, इलेक्ट्रिक है शायद भाई, वो इलेक्ट्रिक तक लगा हुआ है भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल मज़े भाई, नेक्स्ट लेवल मज़े। लेकिन सही बताऊँ तो इलेक्ट्रिक का इतना अभी तक हुआ नहीं है, सच बताऊँ आपको कई बार, वैसे एक चीज़ बताऊँ, हाईवे पे भी जाओगे ना तो भैया पेट्रोल पंप की दिक्कत आती है, पावर ही नहीं मिलता, तो सोचो अगर पावर पेट्रोल नहीं निकल रहा है जो पेट्रोल को इतना वक्त हो चुका है, तो आपको चार्जिंग कहाँ मिलेगी, राजस्थान में तो बहुत लिमिटेड है, ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक लो तो लोगे लेकिन चलाओगे कहाँ, हाईवे पे तो चला नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल से चला पाओगे, और रेंज एंगजाइटी थोड़ी बहुत रहेगी, और वो थोड़ी सी आपको परेशान भी करेगी, तो उसका ध्यान रखो, ठीक है, बाकी लेट्स गो। भाई ये हाईवे रोड्स, एक सेकंड हाँ कैमरा चेक कर लेते हैं, भाई ये हाईवे रोड्स भाई, मतलब लिटरली आपको बता रहा हूँ इतने बम्पी हो रहे हैं ना आजकल, बहुत बम्पी है यार, आप चलाओगे कहाँ चलाओगे, लिटरली कहाँ चलाओगे आप सुपरवाइज को, यहाँ पे चलाओगे बम्पी रोड है, बहुत ज़्यादा बम्पी रोड है, मतलब एक बार को तो आप जहाँ पर भी निकला सकते, ये देख लो सच में, और ये सच है, कुछ हो रहा है भाई आगे, ये क्या हुआ, रिस्की कुछ तो गड़बड़ है भैया, ओहो पेड़ 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 भाई, पेड़ रोड पे, वो भी हाईवे पे यार,
टूरिस्ट प्लेस कर सकता था मैं, लेकिन नहीं करना, इतना काम ही था, इनफ था। तो बाकी मेरे को थोड़ा सा यार सोच रहा हूँ कि आप थोड़ा सपोर्ट करो ना मेरे को, आप अगर थोड़ा सपोर्ट कर दो यूट्यूब चैनल को, जाते आते 100 के भी नीचे आ जाएंगे भाई, ठीक है, ऐसे चलाओ भाई गाड़ी को अच्छे से स्लो, कोई जरूरत नहीं तेज चलाने की, हर जगह कट पे बहुत स्लो रहा करो भाई को, तेज चलाओगे तो इसमें जाओगे